ओके सो लेट्स फाइंड आउट वर्गो, आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशन है। तो पहला ही कार्ड हमारे पास आ रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज मूव्ड ऑन, ठीक है, या हो सकता है कि इवन मैरिड ऑल्सो ये चीज़ें हैं, बट फ्लक्चुएटिंग इमोशंस, येस, फार अवे। आई थिंक समवन इज़ फार अवे, और मे बी कुछ के लिए हो सकता है लाइक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं, वो क्या आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते भी हैं कि नहीं, ठीक है। और आई थिंक ये पर्सन लाइक खुद में ही कंटेंट है, हैप्पी है, और मे बी समबड़ी यंगर वाइब्स, और कुछ के लिए हो सकता है सन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, फायर एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती है, येस, क्रॉस रोड्स, मतलब समझ नहीं आता, कभी माइंड में कुछ आता है, कभी माइंड में कुछ आता है, और अब इन्होंने अपने आप को डिस्टेंट किया हुआ है, ठीक है, अपने आप को थोड़ा दूर रख रहे हैं। और येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, अगर आप मुझसे नेक्स्ट मूव पूछें, सो वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो या तो हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या ऐसी कोई सिचुएशन है, या हो सकता है लाइक दे आर थिंकिंग अबाउट दैट कि क्या करें। सो यस, न्यूट्रल, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रल और पार्टनरशिप, और मे बी इट्स अबाउट कि लाइक आपके लिए इनकी जो फीलिंग्स है न्यूट्रल रहने वाली हैं, यू नो, लाइक इट्स नॉट अबाउट कि ये पर्सन बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेने वाले हैं इस सिचुएशन में। सो विश यू ऑल द बेस्ट।